तो जी फ्राइडे को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये फ्राइडे को ही रिलीज हुआ है, लेकिन यूट्यूब पे आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके सैटरडे की रेसिपी, आपके वीकेंड की रेसिपी जो है वो सेट करने जा रहा हूँ मैं। नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। आज बनाते हैं मुर्ग दो प्याज़ा, और मुर्ग दो प्याज़ा नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन जो होते हैं ना मुर्ग दो प्याज़ा के बारे में, कि इन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया, मुगलाई डिश है, ये डिश है, वो डिश है, वो कन्फ्यूजन, वो भ्रांतियाँ भी तोड़ देंगे, हिस्ट्री का लेसन भी ले लेंगे एक छोटा सा, ठीक, म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। तो मुर्ग दो प्याजा बनाने के लिए आपको चाहिए मुर्ग और प्याज। अब ये दो प्याजा को दो प्याजा क्यों कहते हैं, मुगलों का क्या योगदान है दो प्याजा में, और ये क्या बोलते हैं उसको, मुल्ला दो प्याज़ा कौन थे, ये सारी बातें जो हैं हम करेंगे बाद में, पहले ज़रा चिकन चढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि दो प्याज़ा मतलब ये नहीं कि एक चिकन में सिर्फ दो ही प्याज जाएंगे, है ना, उसमें तो कोई सीक्रेट है नहीं। अब प्याज का ये हिसाब है कि समझ लीजिए कि अपने पास एक किलो चिकन है, मीडियम साइज चिकन लें, कम से कम 8 टुकड़ों में काट लें, 8 टुकड़े मतलब 2 ड्रमस्टिक, 2 थाई और चेस्ट को बीच से 2 कर लें। कभी भी चिकन करी बनाएं तो ये मीडियम साइज चिकन 8 टुकड़ों में कटा हुआ बेस्ट है, हाँ? अगर आपका चिकन बड़ा है तो ब्रेस्ट के 1/3 कर लें, यानी कि चिकन को 10 टुकड़ों में काट लें। और 1 किलो चिकन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 5 मीडियम प्याज। अगर आप 4 यूज कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 2.5 से 3 जो है उनको बारीक चॉप कर लीजिए, और 1.5 प्याज को मोटा मोटा डाइस कर लीजिए। अगर आप 5 मीडियम प्याज यूज कर रहे हैं तो उसमें से 3 को बारीक चॉप कर लीजिए और 2 को मोटा मोटा डाइस कर लीजिए, बस। बाकी जो है मोनोपोली है एक स्पेशल सीक्रेट मसाला जो मैं किसी को नहीं बताता, ये आजकल मैं देखा हर कोई जो है शुरू शुरू में बोल देता है ना वीडियो में, अरे दोस्तों आपको इसके साथ में एक सीक्रेट मसाला भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो मकसद जो है वो डाइस करना है, ठीक है, आप जैसे मर्जी डाइस कर लीजिए। और दूसरी चीज ये भी, अगर आपको ऐसे बड़ा बड़ा डाइस नहीं करना तो मोटा मोटा चॉप कर लीजिए। एक ही बात, प्याज जो है वो 2 स्टेजेस में इस डिश में पड़ता है, वो चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। डाइस जो है वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग डाइस ज्यादा कर लेते हैं। डाइस करके थोड़ा खोल लीजिएगा, क्योंकि जड़ों से जुड़ जाता है ना प्याज। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया, अपनी कूटनीति की तैयारी कर लेते हैं। अब तो सब समझ गए कूटनीति है, कूटनीति ये हो गया जी 1 प्याजा, और ये हो गया 2 प्याजा। अब शुरू करते हैं अपनी कूटनीति। भाई वो चाणक्य थे, उनकी अपनी कूटनीति थी, हम बावर्ची हैं, हमारी अपनी कूटनीति है ना। देखिए अदरक लहसुन का जो है ना पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो स्वाद है वो यही स्वाद है। तो चिकन को मैरिनेट करने का बहुत बेसिक तरीका है जी, ठीक है। नमक, देगी मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा, ये बिल्कुल बेबी, और थोड़ी सी दही। देखिए बहुत सारी रेसिपीज आपने शायद देखी होंगी जिसमें कि बहुत सारे मसाले पड़े हैं और हल्दी कम पड़ी है, और थोड़े टाइम बाद जब मैं आपको इस डिश की पूरी कहानी सुनाऊंगा तब आप ये समझ जाएंगे कि इस डिश का जो असली कनेक्शन है वो हल्दी से, यानी कि इस डिश में ठोक के हल्दी डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। शुरू करें अंताक्षरी लेके घी का नाम, घी प्लस तेल, सिर्फ तेल भी यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। 2 प्याज़ा सरसों के तेल में बड़ा अच्छा बनता है, अगर आप चाहें, अगर आपको सरसों के तेल का टेस्ट पसंद है तो 2 प्याज़ा सरसों के तेल में बड़ा अच्छा बनता है। क्या है कि सरसों के तेल की और वो जो अध पके प्याज की जो शादी है वो बड़ी सक्सेसफुल है, इट्स अ मैरिज मेड इन हेवन। तो क्योंकि इसमें लास्ट में प्याज जाएगा, वो अध पका प्याज, तो इसलिए वो सरसों के तेल के साथ बड़ा अच्छा मेल खाएगा। मतलब सरसों का तेल अच्छा जाता है, क्यों जाता है सब बता दिया हमने। ये देखो जी, ये हमारी नई मसालेदानी है जो हम शो ऑफ करने के लिए लाए हैं, जीरा, इलायची, लवंग और अपनी नई वाली मसालेदानी से काली मिर्च। अब ये सब गया तेल में। प्याज को ना पहले
पारदर्शी करना है, उसके बाद अदरक लहसुन डालना है। पहले डालेंगे तो जल जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। दूसरा, ये मैंने आपको नहीं बताया और ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये दादी भी करती थी, सर बीजी भी करते थे, वो क्या अदरक लहसुन में जब नमक डाल के चीज़ें कोटते थे, चटनी बनाते थे नमक डाल के, उसके बाद धोते नहीं थे उसको। मैं कहता बीजी धोए कि धोया नहीं आपने, तो कहते कोई नहीं नमक है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नमक जो है वो चीज़ को ख़राब नहीं होने देता, है ना। जो कुंडे कोटने में नमक लगा हुआ है वो प्रिजर्वेटिव है, तो फ्लेवर भी रहेगा और चीज़ भी प्रिजर्व्ड रहेगी। अगली बार जब आप अदरक लहसुन डालेंगे तो उसमें ये मच्छी और अदरक लहसुन का फ्लेवर भी मिक्स हो जाएगा। सोचिए सोचिए बुजुर्गों की विजडम। यहाँ लेके आते हैं, इसकी आँच ऐसे जा रही है तो बीच से चीज़ नहीं पक रही, और ये जो ये चूल्हा है इसकी आँच सेंटर में भी है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। इंडियन खाने के लिए चूल्हा वो ढूंढें जो कि आँच फैला सके बराबर से। अगर ऐसा चूल्हा है जो सेंटर से जल रहा है तो वो चाइनीज़ खाने के लिए ठीक है, इंडियन खाने के लिए ठीक नहीं है। तो फाइंड अ चूल्हा जिसमें आँच कम हो लेकिन फैली हो, अगर हिंदुस्तानी खाना अच्छे से बनाना है। लगभग 2 मीडियम या 3 छोटे टमाटरों की टोमेटो प्यूरे। देखिए बाकी बातें जो है मिथ बस्टिंग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो तो खैर रणवीर बाद में कर लेगा, लेकिन एक बड़ी मिथ बस्टिंग आपके लिए कर देता हूँ मैं, कि जो लोग बोलते हैं कि ये जो है मुगलई डिश है और मुग़लों के टाइम की डिश है और मुग़ल कोर्ट्स में बनती थी, और उनसे ये पूछिए कि जब तक टमाटर हिंदुस्तान में आया तब तक मुग़ल जा चुके थे, तो अगर टमाटर इसके अंदर जा रहा है तो ये मुग़लों की डिश कैसे हो सकती है, पूछेगा ज़रूर। और जो ये बोलते हैं कि ऑथेंटिक मुग़लई चिकन दो प्याज़ा में टमाटर ज़रूर जाएगा, उनसे तो ज़रूर ही पूछेगा। टमाटर डाल के भूनना बहुत ज़रूरी है, ये वाला पार्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि अगर आपका मसाला नहीं फट रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें तो मसाला आपका फट जाएगा। ये देखिए फट गया, 1 चम्मच घी डाला बस। अब मेरा फेवरेट धनिया पाउडर, थोड़ी सी देगी बस, ये दही। देखो जी ये मसाला जो है ये ऑलमोस्ट डन है, दही का जो है दाना छूटने लग गया है ना, और घी अलग छूट रहा है, तो चिकन डाल दीजिए। और गैस करनी है तेज़, और मसाले में चिकन को लेना है लपेट, ठीक है। अब फैला के पहले लगा दिया ढक्कन। ढक्कन क्यों? चिकन को पानी छोड़ने का पूरा मौका देना है। यहाँ पर अगर चिकन पानी नहीं छोड़ेगा तो हमारी भुनाई शुरू नहीं हो पाएगी, ज़्यादा भूनना नहीं है, लेकिन एक बार ढक्कन देके फिर चिकन को पानी छोड़ने का मौका ज़रूर देना है। ऐसे कभी भी कच्चे चिकन में पानी ना डालें, हाँ, लेट द चिकन लूज इट्स वाटर, कभी भी चिकन पकाएं। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि यार वो हमारा रबड़ी हो गया, हमारा चूई हो गया चिकन, वही होता है कि आप चिकन डालते हैं उसको अपना पानी नहीं छोड़ने देते, सीधे ऊपर से पानी ठोक के और फिर कुकर के ढक्कन बंद कर देते हैं या फिर ढक्कन लगा देते हैं। तो जब तक चिकन अपना पानी छोड़ रहा है ना, एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं, हैं? ये जो दो प्याज़ा है ना, इसके बारे में बड़ी कहानियाँ हैं कि भाई ऐसे नाम पड़ा दो प्याज़ा, वैसे नाम पड़ा दो प्याज़ा। प्याज जो शब्द है बस उसके ओरिजिन्स जान लेते हैं, डिश के ओरिजिन्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। प्याज जो है वो एक फारसी का पर्शियन शब्द है, आज भी फ्राइड अनियंस को फारसी में प्याज दाग कहा जाता है। तो किरमान में, ईरान में एक डिश बनती है जिसे कहते हैं दो प्याजे, ठीक है, और उस दो प्याजे जो है उसको दो प्याजा का ओरिजिनल स्वरूप माना जाता है, और उसमें भी प्याज दो बार ही पड़ता है, ठीक है। ये जो कहानी है कि मुल्ला दो प्याजा थे, उन्होंने बनाए प्याज दो बार डाल दिए और इस डिश का नाम मुल्ला दो प्याजा के नाम पर दो प्याजा हो गया, हिस्टोरियंस बहुत रिसर्च करने के बाद लगभग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि मुल्ला दो प्याजा जो है कुछ थे ही नहीं, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो बाद में डिवाइस हुए अकबर बीरबल की कहानियों में थोड़ा मिर्च मसाला लाने के लिए, ताकि कहानियां थोड़ी और रोचक हों, रेलिवेंट। सो देयर वाज नो कैरेक्टर कॉल्ड मुल्ला दो प्याजा ऑन विच द डिश नेम इज बेस्ड, ठीक है, सिंपल ईजी, नो रॉकेट साइंस। चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया, अब इसमें पानी डालेंगे या फिर स्टॉक डालेंगे, हाँ, स्टॉक मतलब चिकन बोन्स का जो अर्क होता है वो भी डाल सकते हैं। चिकन करी नहीं बनानी, ठीक है, थोड़ा सा लपटे से ज़्यादा पतला करना है उसको, बस चिकन तो प्याज़ा की यही मोनोपोली, हाँ, ज़्यादा पानी नहीं डालना, हाँ, ये इतना गाढ़ा बहुत है, अभी थोड़ा ये और पतला होगा, क्यों,
क्योंकि जब हम इसमें बाद में प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च ये सब डालेंगे तो वो भी अपना पानी छोड़ेगा। ढक्कन लगाओ तो घर नू जाओ, नहीं नहीं घर नू नहीं जाना, 5 मिनट बाद मुलाकात करते हैं चिकन से, 5-7 मिनट बाद। चिकन को जब 80% पका लेंगे तो फिर उसके अंदर वो दूसरा वाला प्याज शिमला मिर्च है वो 70-80% के बीच में, मतलब अगर आप चिकन को दबाएंगे तो आपको समझ में आया कि हाँ अंदर से लाल है कच्चा है, तब इसके अंदर प्याज शिमला मिर्च और टमाटर डालना है। ब्यूटीफुल, देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया। अब ये वो स्टेज है जब आप इसके अंदर बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास दूसरी स्टेज का प्याज डालेंगे। कायदे से इसके अंदर सिर्फ प्याज जाना चाहिए, लेकिन अब आजकल फैशन में है तो लोग शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, कुछ लोग टमाटर भी डाल देते हैं, हमको भी ज़रा रंग वंग पसंद है तो हम डाल देंगे। ठीक है, टमाटर मैं अभी नहीं डालूंगा, प्याज और शिमला मिर्च में डाल देता हूँ। प्याज और शिमला मिर्च कुछ लोग जो हैं वो अलग से सौते करके डालते हैं, अलग से सौते नहीं करनी है। इस डिश की जो मोनोपोली वो यही है कि बाद में जो कच्चा प्याज जाता है उसकी मिठास और उसका टेक्स्चर, वही इस डिश की मोनोपोली है, समझे आप। और लास्ट में टमाटर, टमाटर तो डेफिनेटली ऑप्शनल है ना, तो ना बोलेंगे रणवीर तो कढ़ाई बन गया, कढ़ाई ऑप्शनल है, ऑप्शनल बोल तो रहा हूँ। दूसरा क्या है कि अब तो आप जानते ही हैं कि ये दो प्याज़ा जो है वो पर्शियन दो प्याज़े से आया है, और पर्शिया में खटमिठपना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो खुरेश बनाए करीज बनाए, उसमें खट्टे मीठे का फ्लेवर बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसके अंदर हमेशा फिनिशिंग में थोड़ा सा नींबू डालें, या फिर कई जगह पर्शिया में अभी थोड़ी वो ज़िरिश बेरीज भी डाल देते हैं इसके अंदर, खट्टी मीठी बेरीज। और यही दो प्याज़ा अगर हैदराबाद में बनता तो फिर इसके अंदर कच्चा आम जाता, या फिर आलू बुखारा जाता। हाँ, तो खटास मिठास का जो बैलेंस है वो इम्पॉर्टेंट है, आप अपना मीडियम डिसाइड कर लीजिए, बट मोटा मोटी खटमिठपना जरूरी है। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया। अब इसके लिए मैं स्पेशल प्लेट लेके आया हूँ, देखिए इसमें यहाँ पर हमने मुर्गा बनाया है, यहाँ पर बाद में मैं दो प्याज बनाऊंगा, तो मुर्ग दो प्याज़ा हो जाएगा ये। ठीक है, प्याज मैं बाद में बना लूँगा। अब भाग गए सारे पीजे, सुन सुन के भागते हैं लोग, मुझे पता होता है। अब मैं जाके एनालिटिक्स देखूंगा ना यूट्यूब पे, यहाँ पर डूम करके व्यूअर्स ड्रॉप। गैस करनी है तेज, ढक्कन देना है खोल, अगर ग्रेवी थोड़ी सूख जाए। देखिए अभी मैं वही बोलूँगा जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि प्याज जो है उससे मिठास आनी चाहिए। अगर आपका प्याज जो है बेमौसमी है या मिठास नहीं आई है तो कोई शर्म नहीं है इसके अंदर एक चुटकी शक्कर डालने में। ठीक है, खटमिठपना अगर चाहिए और प्याज से मिठास नहीं आ रही है, एक चुटकी शक्कर से कोई आपको जज नहीं करेगा, ये हमारी सीक्रेट है। अब जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, जो मेरे दो प्याज़ा में हमेशा जाता है, जो मैंने बोला था लास्ट में बताऊँगा, वो है थोड़ा सा केवड़ा, बिल्कुल नाम भर का। हाँ बस देखिए, जहाँ पर भी हल्की सी मिठास चाहिए होती है वहाँ पर केवड़े के फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस मीठेपन को एनहांस करते हैं, लेकिन केवड़ा होना चाहिए और उसका टेस्ट नहीं आना चाहिए, यानी कि अ टच ऑफ केवड़ा। सीक्रेट मतलब सीक्रेट ना, फिर पता नहीं चलना चाहिए केवड़ा पड़ा, फिर वो सीक्रेट किस बात की हुई। और जाहिर सी बात है धनिया ठोक के ये हो गई ना, अब ग्रेवी अपने आप रपटी रपटी उर्फ लपटी लपटी, टमाटर भी गल गया, और एज प्रॉमिस्ड लास्ट में थोड़ी सी नींबू की खटास। चला चला के तोड़ना थोड़ी ना, बस ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं। देखिए दो प्याज़ा में रोगन ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर दो प्याज़ा में बहुत ज़्यादा तेल ऊपर आ रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो रॉ इंग्रेडिएंट्स आपने लास्ट में डाले ना वो तेल खींच लेते हैं, राइट। देखो जी, कहाँ से आई डिश, किसने बनाई, मुल्ला दो प्याज़ा थे नहीं थे, मुगले खाने में टमाटर पड़ता है नहीं पड़ता है,
ये सारी बातें होती रहेंगी। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। फिलहाल के लिए बना लीजिए, क्योंकि स्वाद बड़ा है, है? और उसको कर दीजिएगा।